गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने नॉलेज को बूस्टअप कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सिस बैंक AVYB प्रोग्राम का जो वेट लिस्ट आ रहा है बोथ फ्रेंड्स का, ठीक है, उसके बारे में पूरा बात करेंगे फ्रेंड्स। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड, बहुत सारे स्टूडेंट को ये मैसेज आ रहा है, ठीक है, वेट लिस्ट का। करीबन 70% स्टूडेंट जो है उनको जो है ये वेट लिस्ट का मैसेज आ रहा है, लेकिन 30% जो स्टूडेंट है उनको जो है क्लियर का मैसेज आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब जो ये 30% स्टूडेंट है जिनको भी वेटिंग लिस्ट का जो मैसेज आ रहा है फ्रेंड्स, उनको करना क्या है, उनको जो है 10 डेज़ का वेट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। 10 डेज़ का वेट करने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएंगी, उसमें जो है अगर आपका नाम आता है तो आपका सिलेक्ट होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और जो बात कर ली जाए सिलेक्टेड कैंडिडेट की, तो उनका जो है प्रोसेस चालू हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स, ज्वाइनिंग का प्रोसेस चालू हो गया है, ठीक है। 9 मतलब आज के दिन से ही, 9 मई से, ठीक है, 9 मई से जो है उनका ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी वगैरह सारा चालू हो गया है, ठीक है। एडमिशन किस तरीके से करना है वगैरह वगैरह सारा चीज़ उनका कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स, मतलब आज से ही स्टार्ट है, तो आज से चलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। सबको मेल आ गया होगा, जिन जिन फ्रेंड का क्लियर हो गया है उन सभी को मेल आ गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं, ठीक है, वेट वाले हैं, तो उनका कैसा क्या होगा, तो उनका जो फ्रेंड्स मेरिट लिस्ट आएगा और उस मेरिट लिस्ट में जो उनका दिखाया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो क्लियर हो गए होंगे उनका मेरिट लिस्ट अब नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जो क्लियर हो गए होंगे उनका मेरिट लिस्ट जो है अभी बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट में है उन फ्रेंड्स का जो है मतलब उनका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसी से उनका पता चलेगा कि उनका सिलेक्ट होगा या नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सब चीज़ें। तो फ्रेंड, जो फ्रेंड को ईमेल आ गया है, ठीक है, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी का, ठीक है, आपको क्या क्या फॉर्मेलिटी करना है सब कुछ उनका आ गया होगा फ्रेंड, बहुत सारे स्टूडेंट को। तो आप क्या करिए, स्टेप बाय स्टेप अपना प्रोसेस मतलब कंप्लीट करिए, उनका जो भी उन्होंने कंडीशन रखा है, ठीक है, आप उनका कंप्लीट कर लीजिए एडमिशन के लिए, अगर आप ज्वाइन करना है आपको, ठीक है। तो आप जिन जिन का फ्रेंड का क्लियर हो गया होगा उस क्या कर सकते हैं, सारा का सारा उनकी फॉर्मेलिटी पूरा कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ज्वाइन नहीं करने वाले थे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स। तो अगर आपको भी लगता है कि ज्वाइन करना चाहिए तो कर लीजिए फ्रेंड, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, देखो, अगर आप दो साल तक, अगर आपको अगले 2 साल आने वाले 2 साल में अगर आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ सपोज़, तो फिर आपको पछतावा नहीं होना चाहिए कि मैंने छोड़ दिया ये जॉब करके, ठीक है। कोई लोग बोलते हैं सेल्स जॉब है, ये जॉब है, जो भी जॉब है यार, ठीक है, क्लियर तो हुआ ना, तो आप इस पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो करिए, नहीं करना है तो बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन जो फॉर्मेलिटीज़ है वो आप सारी की सारी कंप्लीट करिए अगर जिन जिन फ्रेंड को ज्वाइन करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, बहुत सारे स्टूडेंट को जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ है उनकी कंप्लीट करने में जो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप जो है अपने किसी सीनियर के पास जाइए, ठीक है, उनको पूछिए कि क्या करना चाहिए करके ये सब चीज़ें, ठीक है, वो सारा चीज़ आपको बताएंगे, ठीक है। किसी पे डिपेंडेंट मत रहो यार कि कोई मेरा वो सब कुछ कर देगा करके, आप जाइए, आपको जॉब पाना है तो आप खुद जाके सारा चीज़ देखिए, अरेंज करिए, पूछिए किसी को, ठीक है। अभी 9 तारीख से मतलब चालू हो रहा है, तो आप देख सकते हैं 2-3 दिन या कितना भी टाइम मिला है आपको, तो वो आप मेल में चेक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। सारा आपको करना है, ठीक है। मेरे को किसी ने मेल भेजा नहीं फ्रेंड्स, अगर भेजता तो मैं थोड़ा ट्राई करता अपनी तरफ से बताने का कि क्या क्या चीज़ें हैं करके, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको सारा चीज़ समझाऊंगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कुछ कमेंट होगा तो करना फ्रेंड्स। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखना फ्रेंड्स, गुड बाय।